पाकिस्तान एक बार फिर से हो गया है एक्सपोज। आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब। जम्मू कश्मीर में भेज रहा है एसएसजी कमांडोज। आतंकियों की मदद कर रहे हैं एसएसजी कमांडो। आतंकियों को हाईटेक हथियार दे रही है पाकिस्तान की आर्मी। केरन सेक्टर से एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद हुई। पाकिस्तान एसएसजी कमांडो इस्तेमाल करते हैं इस असॉल्ट राइफल को, जिसे पाकिस्तान की सेना आतंकियों के पास भेज रही है मदद के तौर पर। हाईटेक हथियार पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को मुहैया करवा रही है। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद हुई और जिससे एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के मंसूबे एक बार फिर से सभी के सामने आ गए हैं। इंडिया न्यूज पर पाकिस्तान को एक्सपोज करती ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। केरन सेक्टर से एयूजी असॉल्ट राइफल का बरामद होना आतंकियों के पास से ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से एक बार फिर से आतंकियों को मदद कर रहा है। एक बार फिर से सबूत पाकिस्तान के सामने आए हैं आतंकियों का साथ देने के। हालांकि इस बात से इनकार करता आया है पाकिस्तान, लेकिन ये सब जानते हैं कि कितना बड़ा मददगार आतंकियों का पाकिस्तान है। एक बार फिर से पाकिस्तान हो गया है बेनकाब। पाकिस्तान की साजिश का ये बड़ा खुलासा हुआ है। केरन सेक्टर में स्टेयर एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। आतंकियों के पास से एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। आतंकियों की ओर से इस राइफल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके सबूत भी सामने आए हैं। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अजय जांडियाल इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, एक बार फिर से पाकिस्तान हो गया है एक्सपोज, सुपर एक्सक्लूसिव ये जानकारी आप अंदर से लेकर आए हैं, पूरी जानकारी दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाता है और पाकिस्तान की रेगुलर फोर्सेज जो हैं आईएसआई जो है ये प्लान करती है कि उन रेगुलर कमांडोज को, जो एसएसजी कमांडोज हैं, उनको जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ भेजा जाता है और यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है। जो खासतौर पर इस वक्त 40 से 45 आतंकी जम्मू में सक्रिय हैं, उन आतंकियों की जो संख्या है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है एसएसजी ट्रेंड कमांडोज हैं, जो पाकिस्तानी एसएसजी जो कमांडो फोर्स है उनकी वो हैं। और उसके साथ साथ उन उसके बाद जो इंडिया न्यूज़ एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान को कि कल जो स्टेयर एयूजी जो राइफल जो बरामद की गई है, जो कि स्कोप इन बिल्ट राइफल है, वो दरअसल पाकिस्तानी सेना ने अपने उस एसएसजी दस्ते के लिए जो है वो प्रिक्योर की थी। और ऑस्ट्रियन मेड ये वेपन जो है इसको खासतौर पे प्रिक्योर करके वहाँ पर जो है वो उन फोर्सेस को दिया गया था। मगर अब पिछले कुछ समय में हमने देखा कि M4 राइफल जो है वो यहाँ पर देखने को मिली आतंकियों के पास, जबकि अब एक ताज़ा वाक़या जिसमें केरन सेक्टर में घुसपैठ करके आतंकी जो आ रहे थे उन दो आतंकियों को मार गिराया गया था, उनके कब्जे से स्टेयर AUG राइफल जो है वो बरामद हुई। और ये आतंकी जो हैं जो मारे गए, इससे साफ जो है पता चलता है कि ये या तो जो SSG कमांडोज हैं पाकिस्तान के वो थे और उन्हीं के पास ये AUG वेपन जो है वो रहता है, और या फिर पाकिस्तान खासतौर पे अपनी जो फोर्सेस की राइफल्स हैं, एमनीशन है, ये तमाम इन आतंकियों को मुहैया करवा रहा है, जिसके ज़रिए जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों को तेज़ करने की कवायद, चाहे वो सिविलियंस को टारगेट करना हो, चाहे वो यात्रियों को या फिर सुरक्षा बलों को, उसकी कवायद को तेज कर रहा है। और ये इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं इस राइफल के बारे में, और बताइए, क्योंकि पाकिस्तान जो भुखमरी की कंगाली की कगार पर है, वो AUG असॉल्ट राइफल आतंकियों की मदद के लिए दे रहा है। कितनी मारक क्षमता होती है इस राइफल की, कितनी महंगी आती है ये, और क्या इससे पहले भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास से ये राइफल बरामद हुई है क्या? देखिए, इससे पहले ये स्टेयर AUG राइफल जो है वो नहीं बरामद हुई, जबकि और अन्य तरह के वेपन जो है वो बरामद हुए हैं जो पाकिस्तानी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। मगर ये खासतौर पे जो कमांडो दस्ता रहता है SSG जो कि पाकिस्तानी फोर्स का है, पाकिस्तानी सेना का है, उनको ये मुहैया करवाई गई थी। और ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये वही SSG कमांडोज हैं जो उसी AUG राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये खासतौर पर इन आतंक इन
जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, एसओजी कमांडोज हैं, इनको जो है वो इनके लिए प्रिक्योर किया था पाकिस्तान ने। ऑस्ट्रियन मेड वेपन है, 1971 में इस वेपन का निर्माण हुआ और तब से लेकर देश के कई, दुनिया के कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। और पाकिस्तान, जिसमें आपको बता दूँ कि खासतौर पर पाकिस्तान ने ये वेपन अपने कमांडोज के लिए लिया था। दरअसल इस वेपन की मारक क्षमता जो है लगभग 700 से 800 मीटर रहती है। इसमें खासतौर पर टेलीस्कोप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है। अमूमन जो वेपन्स रहते हैं उनमें टेलीस्कोप जो है वो इंस्टॉल अलग से सेपरेट किया जाता है, मगर इस वेपन में इनबिल्ट आता है। जो आप हैंडल देख रहे हैं इसके ऊपर जो है वो टेलीस्कोप इनबिल्ट है। और उस टेलीस्कोप का जो फायदा है वो ये होता है कि इसके जरिए आप किसी भी दूर की चीज को टारगेट करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं, पास दिखती है आपको। और ये आतंकियों को देने का मकसद साफ है कि यहाँ पर आतंकी जो यहाँ पे आ रहे हैं या फिर एसएसजी कमांडो जो यहाँ आए हैं, ये सेना के काफिले को, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय में जो सेना के काफिले को अटैक किया गया, यात्री बस को अटैक किया गया, तो उसमें सबसे पहले इस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया ताकि वो सीधा पहले ड्राइवर को शूट कर सकें और उसके बाद बाकी गाड़ी जो है उसको नुकसान, या जो यात्री हैं या सैनिक है। कठुआ में जब आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले ड्राइवर को टारगेट किया गया। यात्री बस पर कटरा में जो वैष्णो देवी आ रही थी शिवखोड़ी से, जिसमें 9 लोगों की हत्या की गई थी आतंकियों द्वारा, उसमें भी सबसे पहले ड्राइवर को टारगेट किया गया था। तो ये जो टेलीस्कोप युक्त जो वेपन है इसका इस्तेमाल दरअसल एसएसजी कमांडो अपने ऑपरेशन के लिए वहां पर करते थे, मगर अब पाकिस्तान उन्हीं कमांडोज के जरिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर जम्मू खित्ते में आतंकी गतिविधियों को तेज करने और टारगेट किलिंग, या ये कहेंगे कि किसी भी दूर से चीज को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी जानकारी अजय के जरिए हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक बार फिर से पाकिस्तान हुआ है बेनकाब। हाईटेक हथियारों की सप्लाई पाकिस्तानी सेना की ओर से आतंकियों की मदद के लिए की जा रही है। अजय, ये बौखलाहट ही कहेंगे पाकिस्तान की, आतंकियों की, पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं और इसके बाद अब हमारी सरकार और सेना जिस तरह से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन ना सिर्फ चला रही है बल्कि उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, कुछ आतंकियों का खात्मा भी हुआ है, इसके बाद क्या ये डर और खौफ आतंकियों में और उसके मददगारों में और ज्यादा है? देखिए, एक चीज़ को समझना होगा कि पाकिस्तान ने आज तक कई बार ये कोशिशें की है, चाहे कारगिल युद्ध की बात हो, सीमा पर जो सीज़फ़ायर वायलेशन की बात हो, या उससे पहले आप देखें तो 65 में जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी जम्मू कश्मीर में या भारत के साथ युद्ध करने की, पाकिस्तान हर कोशिश जो है वो कर चुका है, उससे नाकामी हासिल हुई है। मगर ये जो प्रॉक्सी वार आतंकवादियों के जरिए पाकिस्तान पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर में चला रहा है, इसे अभी भी पाकिस्तान जारी रखना चाहता है। बार बार हारने के बाद भी, बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो कहीं टलते नहीं है और पाकिस्तान बार बार इस तरह की कोशिशें करता है। और इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान की इस नई जो स्ट्रेटजी है जम्मू खित्ते में लगातार आतंकी गतिविधियों को तेज करना, एसएसजी कमांडोज के जरिए या आतंकियों के जरिए जम्मू में जो है वो सुरक्षा बलों और सिविलियंस की हत्या करवाना, उसमें निपटने के लिए अब सुरक्षा बलों ने खास जो है वो बैठक आयोजित की है, खास प्लानिंग की है। जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त जो है फोर्सेस के जवानों को जो है वो तैनात किया जा रहा है, खासतौर पर जम्मू खित्ते की बात की जाए। इसके अलावा आज सेना प्रमुख खुद जो है वो जम्मू आने वाले हैं, जनरल उपेंद्र राय जो है, उपेंद्र द्विवेदी जो है वो जम्मू पहुंचेंगे और वो यहाँ पर आकर एक मुख्य बैठक करेंगे जिसमें एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ तमाम जो सुरक्षा बलों के आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की सफाई के लिए। पाकिस्तानी आतंकी जो इस वक्त घुसपैठ करके जंगलों में बैठे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को और सिविलियंस को टारगेट करने के प्रयास कर रहे हैं, उन आतंकियों का सफाया कैसा होगा उसके लिए प्लानिंग जो है वो चाकोट की जाएगी। इस जो विजिट है आर्मी चीफ की, इसकी गंभीरता को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सेना प्रमुख बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो दूसरी बार जम्मू आ रहे हैं और पिछले अगर आप देखें तो लगभग एक महीने में ये दूसरी विजिट उनकी जम्मू की होने वाली है, जो साफ दर्शाता है कि एक बड़ी स्ट्रेटजी, एक बड़ी प्लानिंग जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर वो सरकार कर रही है। क्योंकि सब जानते हैं कि सितंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को शांत करने का जो प्लान है पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराने का, वो बड़ा पुख्ता होने वाला है और जल्द उस पर अमलीजामा पहनाया जाएगा, जल्द उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी।